आया था उस नंबर को ट्रैक करवाते हैं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि वो फोन आखिर कहाँ से आया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यही करना चाहिए। ठीक है तो फिर हम यही करते हैं, मैं जेहूप और आरएम, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ और तुम दोनों वी और जमीन को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे नंबर ट्रैक हो जाए आप हमें जरूर बताना, तो फिर हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, जल्दी चलो। भाई आप घर जाओ और भाभी को ढूंढने की कोशिश करो, क्या पता वो आपका फोन उठा ले। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं घर जाके देखता हूँ, क्या पता मुझे वहाँ से कुछ पता चले कि सूजन कहाँ है। तो फिर चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं इससे पहले कि देर हो जाए, टाइम भी लगने वाला है इस काम में काफी। आई होप वी और मेरे बच्चे ठीक हो। भाई अभी रोने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। जाओ जंकुक और अपना ध्यान रखना, ओके? हम भी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वी तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या अभी इस टाइम? मुझसे सहन नहीं हो रहा। वी प्लीज कंट्रोल करो थोड़ा, हम यहाँ कर भी क्या सकते हैं। मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बेबी आने वाला है, पर इतनी जल्दी बहुत पेन हो रहा है। मेरे पेट पे चोट लग गई है शायद इसी वजह से। ए तुम लोग देख क्या रहे हो, खोल दो रहा हूँ उसे। ऐसे घूर घूर के मैं देख क्या रही हूँ, हमें खोलो। उसके पेट में इतने ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैडम कॉल आया, तुम्हें नहीं खोल सकते हम। अरे दिखाई नहीं देता तुम्हें, पेट में दर्द हो रहा है, खोल दो ना। नहीं खोल सकते हम अगर तुम लोग भाग गए तो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हम नहीं भागेंगे, हम भागने की हालत में दिख रहे हैं तुम्हें? अगर मैडम को पता चल गया तो वो हमें मार देंगी। तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है क्या, जरा सी दया नहीं दिखा सकते? प्लीज हमें खोल दो, उसे पेन हो रहा है, उसे नहीं बैठा जा रहा है ऐसे। प्लीज हमें खोल दो ना, हम नहीं भागेंगे। फिर वो आदमी वी और जेमिन को खोल देता है। वी चुप हो जाओ प्लीज, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी हमें हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। कम से कम पानी तो ले आओ, एक गिलास। जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ इनके लिए। फिर वो आदमी एक गिलास पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो। वी तुम जितना शांत रहोगे उतना ठीक रहेगा, कोई ना कोई तो हमें बचाने के लिए आएगा ही, चुप हो जाओ। बेबी प्लीज थोड़ा सब्र करो, मम्मा को बहुत पेन हो रहा है, प्लीज इतनी जल्दी मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बेबी को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पता नहीं जंकुक को मेरी कॉल पे आवाज सुनाई भी दी होगी या नहीं। बेबी प्लीज मम्मा को परेशान मत करो, हम लोग वैसे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, अभी प्लीज मत आना प्लीज। किसने कहा तुम्हें खोलने के लिए? मैम वो इसे बहुत पेन हो रहा था बस इसलिए हमने खोला है। ज्यादा दया दिखा रहे हो, इतनी भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों पे तो बिल्कुल भी रहम नहीं खाना। दोबारा से इन्हें बांध दो। दिमाग खराब हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? इतना पेन हो रहा है उसे और तुम उसे बांधने की बात कर रही हो। तुम अपना मुंह बंद करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बांधो इन्हें दोबारा से। तुमने इसे खोल दिया ताकि ये लोग फिर से भाग जाएं। I'm so sorry मैडम, हम फिर से बांध देते हैं इन्हें। फिर वो आदमी जिमिन और वी को फिर से बांध देता है। तुम सच में बहुत ज्यादा बुरी हो, मैंने तुम दोनों को अभी तक इसीलिए छोड़ रखा है क्योंकि मैं कल तुम दोनों को तसल्ली से मारना चाहती हूँ, और तुम दोनों को अगर ज्यादा जल्दी पड़ी है तो अभी मार दूँ। प्लीज मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ। अभी तक तुम्हारे बेटे के साथ कुछ किया नहीं है, वो ठीक है। जल्दी नंबर ट्रैक करो, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज आप जल्दी करिए, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं नंबर ट्रैक करने की, और ये जल्दी से कर भी लेगा। जल्दी करो जो भी करना है, हमारे बच्चों का सवाल है। आई नो सर, हम जानते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज तुम थोड़ा जल्दी करो। आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं अब भाभी को क्या चाहिए हमसे, सब कुछ तो हमारा ले लिया है, अब पता नहीं उन्हें क्या चाहिए हमसे। प्लीज तुम जल्दी नंबर ट्रैक करो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चों की। इस नंबर को तो मैं ट्रैक करके रहूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए, लोकेशन चाहे जितनी भी दूर हो, मैं ट्रैक करके ही रहूंगा। उस चैनशू ने अगर मेरी बेटी के साथ कुछ किया ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सुबह से शाम हो गई, अभी तक नंबर ट्रैक नहीं कर पाए तुम। जब तक नंबर ट्रैक होता है तुम टीम रेडी करवाओ जाने के लिए। ओके सर, प्लीज तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया है। हो गया, लोकेशन पता चल गई कि वो लोग कहाँ पर है। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं शुगर और जंकू को बताते हैं लोकेशन ताकि वो पहुंच सके वहां पर। हम सब वहां जाने के लिए टीम रेडी करवाते हैं। हमने हॉस्पिटल के आसपास सबसे पूछ लिया पर किसी को कुछ पता ही नहीं है, और पता नहीं नंबर ट्रैक हुआ भी कि नहीं। शुगर क्या हुआ तुम्हें भाई, एक बार पीछे तो मुड़ो। भाई ये वही गाड़ी जिसमें वी और जिमी बैठकर हॉस्पिटल गए थे। हाँ शुगर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये वही गाड़ी है। भाई गाड़ी यहीं पर खड़ी है, इसका मतलब वो दोनों यहीं से गायब हुए हैं, इसका मतलब यहीं से किडनैपिंग हुई है। पर ये कैसे पता लगा है कि कहाँ है वो लोग? डैड का कॉल आ रहा है, शायद नंबर ट्रैक हो गया। हाँ भाई मुझे भी लगता है नंबर ट्रैक हो गया, जल्दी फोन उठाओ। हेलो डैड, क्या हुआ? जंकुक लोकेशन पता चल गई, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। सच में डैड, ये तो बहुत अच्छा हुआ, प्लीज जल्दी भेजो। जंकुक तुम सबसे पहले वहाँ जाओ, फिर हम लोग पहुँचते हैं क्योंकि हमें टाइम लगेगा थोड़ा। और हाँ, वहाँ जाना तो थोड़ा सावधान रहना, ओके? संभल के जंकुक, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक है? हाँ डैड, मैं समझ गया, मैं खुद का ध्यान रखूंगा, और आप भी जल्दी पहुँचो वहाँ पर। ओके बेटा जंकुक, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते, तुम जल्दी जाओ वहाँ पर। ओके ओके डैड। डैड ने क्या कहा, लोकेशन का पता चल गया क्या? हाँ नंबर ट्रैक हो गया, लोकेशन का पता चल गया कि वो लोग कहाँ पर है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। डैड ने भेजी है लोकेशन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लोकेशन का पता चल गया, हमें जल्दी जाना चाहिए। ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, अभी लोकेशन का ही पता चला है, क्या पता वो लोग वहाँ हो या फिर नहीं हो। चलो देख कर आते हैं। फिर जंकू और शुगर वहाँ से निकल जाते हैं। प्लीज हमें हॉस्पिटल लेकर चलो, हमें हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। तुम बहुत बुरा कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अगर मेरी हालत ठीक होती तो तुम्हारा बैंड तो मैं खुद ही बजा देती, किसी की जरूरत ही नहीं होती। लगता है तुम दोनों बहनें मेरे हाथों से मरना चाहती हो, है ना? दोनों बहनें, कहने का मतलब क्या तुम्हारा? ताई और वी दोनों बहनों को शौक पड़ा मेरे हाथों से मरने का, है ना? तुमने मेरी बहन को मारा? हाँ। खैर मारना तो मैं जंकू को चाहती थी, पर तुम्हारी बहन बीच में आ गई। खैर तुम्हारी बहन को भी मारने का फायदा हुआ मुझे। जंकू को इतना बड़ा सदमा लगा कि वो 6 महीने के लिए कोमा में चला गया, फिर पता नहीं तुम कहाँ से आ गई, उसे होश में ले आई। खैर कोई नहीं, पर ऐसा लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, मैंने ही करवाया था। तुमने मेरी बहन को मारा, जंकू को चोट पहुंचाई, कुकी के सर से माँ का साया छीन लिया। ओहो प्लीज मेरे सामने रो मत, मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मेरी बहन को मारा है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अपनी बहन का बता लूंगी तुमसे। तुमने कुकी को उसकी माँ से दूर किया, इसीलिए तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के चला गया। अपनी बकवास बंद करो, और तुम क्या मुझे मारोगी? तुम खड़ी तक तो हो नहीं पा रही हो, तुम मुझे क्या मारोगी? पहले अपनी हालत देखो, फिर मुझे मारने के बारे में सोचना। वही तो, मेरी हालत ठीक नहीं है, अगर मेरी हालत ठीक होती ना तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं खड़ी होती। मैं ठीक होती ना तो अभी तक तुम यहाँ नहीं होती। एक पैर तुम्हारा कुएं में और दूसरा खाई में, जुबान फिर भी कैसी की तरह चल रही है। तुम्हें घटिया औरत है, जिसको खुद का रहा कोई और दिखाई नहीं देता। तुम भी इस बी के साथ रह रहकर बहुत बोलने लगी हो, बहुत ज्यादा जुबान चलती है तुम्हारी भी। मेरे सामने आंखें नीचे करके बात क्या करो? कम समय बचा है तुम्हारे पास, साथ में जितना समय बिताना चाहते हो बिता लो, कल तो वैसे भी तुम दोनों को मरना ही है। थोड़ी देर बाद जंकुक और शुगर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं, यही होंगे वो लोग। हाँ भाई अंदर चल के देखते हैं। फिर शुगर और जंकुक अंदर जाते हैं। ना सिक्योरिटी, यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? शुगर क्या हुआ, यहाँ पर कोई है क्या? कोई दिखा? वी, जमीन, कुकी? भाई यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, शायद ऊपर होंगे, चलो ऊपर देख कर आते हैं। हाँ चलो भाई, डोर लॉक है, अब क्या करें? गेट तोड़ देते हैं, वो लोग पक्का अंदर ही होंगे, इसलिए डोर लॉक है। वी, जमीन, कहाँ हो तुम दोनों? भाई वहाँ देखो, शुगर मेरे साथ चलो उस तरफ। जंकुक तुम आ गए।
जिमिन, तुम दोनों आखिर यहाँ तक पहुँच ही गए। तुम्हें पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ? आपने वी और जिमिन को हाथ कैसे लगाया? यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों ने पता लगा लिया कि मैं कहाँ हूँ आखिर? आपकी जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी है, इतनी घटिया। सुबह इन्होंने मुझे बहुत थप्पड़ मारे, इन्हें बहुत थप्पड़ मारो तुम भी। ये बहुत ज्यादा बुरी है। हमसे सबको छीनने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला है ना? और वी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? और मेरा बेटा कहाँ है? तुम दोनों आ गए, चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ। अब तुम दोनों के सामने मैं इन दोनों को मारूंगी, तुम्हारी वी और तुम्हारी जिमिन को। जंगू को अपना ध्यान रखना, संभल के। जमीन भाभी, थैंक गॉड जंगू तुम आ गए। फिर शुका वी और जमीन की रस्सियों को खोल देता है। वी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? बेबी ठीक है? मैं तुम दोनों के लिए बहुत डर गया था, बहुत परेशान था। माफ कर देना वी, मैं थोड़ा लेट हो गया। जंगू भी बहुत डर गई थी। जिमिन ठीक तो हो ना तुम? अच्छा तुम ठीक हो, तुम्हारे डैड और मैं बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुगा। अच्छा तुम जल्दी आ गए। तुम दोनों ने उन दोनों को तो बचा लिया मुझसे, पर इसे कैसे बचाओगे? मम्मा, मम्मा। जंगू कुकी को प्लीज यहाँ लेकर आ जाओ, वो अभी भी उन्हीं के पास है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज उसे यहाँ लेकर आओ मेरे पास। देखो प्लीज, आप मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। तुम सबने मिलके मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, मैं तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर कर दूंगी। मेरा जॉब मुझे छोड़ के चला गया, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम सब बहुत प्यार करते हो ना कुकी से, मैं इसको इसकी माँ के पास भेज दूंगी। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें जो बदला लेना हम लोगों से लो ना। नहीं, तुम सबकी खुशी कुकी में बसती है ना, मैं इसे ही तुम लोगों से छीन लूंगी। प्लीज कुकी को छोड़ दो, तुमने दी को तो मुझसे दूर कर दिया, प्लीज कुकी को मत करो प्लीज। प्लीज कुकी को छोड़ दो, आपको ये दुख है ना कि आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है? अगर आप ये बुरे काम करना छोड़ दो तो आपका बेटा आपके पास वापस आ जाएगा। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो मुझसे बहुत ज्यादा ही नाराज है। मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर हो गया है, वो मेरे पास अब वापस नहीं आएगा। आपने जो किया है ना, इसके बाद तो वो जिंदगी में कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। पर आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है सिर्फ, पर आपके ऐसा करने से आपका बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं है। पास आने के बजाय बल्कि आपका बेटा आपसे दूर हो गया है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे कुकी को तुम लोगों से छीन लूंगी। हम आपको कब से समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? कुकी को छोड़ दो बस। नहीं छोड़ रही, जाओ कुछ भी कर लो, पर मैं कुकी को तुम मार के रहूंगी। मैं कुकी को मार दूंगी, अब सब लोग दूर हट जाओ, कोई मेरे पास मत आना वरना मैं सच में शूट कर दूंगी। आखिरी बार अपने बेटे को देख लो, जो बात करनी है कर लो। मम्मा मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना, प्लीज आप कुकी को छोड़ दो प्लीज। तुम्हारा बेटा तो गया। चेंचू तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। पुलिस जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ अब। मैं आपको अपनी भाभी मानते हुए आ रहा था, यकीन नहीं हो रहा कि आप एक गायन निकलोगे। इस औरत को पकड़ लो और लेकर चलो, उठो चलो हमारे साथ। I hate you mom, मैं आपसे नफरत करता हूँ। जो बेटा तुम अपनी मॉम को ऐसा नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। प्लीज मुझे बचाओ इन लोगों से, प्लीज बेटा। मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना बेटा, प्लीज मुझे बचा लो जो बेटा प्लीज। आप सभी ने जल्दी से यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। कुकी बेटा अब रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, इधर आ जाओ मेरे पास। सब कुछ ठीक है बेटा, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, और इनको यहाँ से लेकर चले जाओ, इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाओ, दोबारा हमारी जिंदगी में कभी मत आना।